हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्टिस में। दोस्तों आज मैं आपको ई पे 500 के बारे में एक अपडेट देने वाला हूं और मैं बताने वाला हूं कि आखिर लोगों की जो पेमेंट है क्यों नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ई पे 500 जो है दोस्तों, इसमें जो पैसा हमें मिलता है ये कंपनी नहीं देती। इसमें जो पैसा मिलता है मेंबर टू मेंबर मिलता है। दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, इसमें कोई व्यक्ति जुड़ता है आपके जरिए या फिर किसी और के जरिए, तो वो जो व्यक्ति जुड़ता है तो जब वो पेमेंट करता है 500, तो पेमेंट किसको मिलता है? वो पेमेंट मेंबर को मिलता है जो इस प्लान में ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड है। तो जब उसका 500 होता है और वो जो विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो उसका जो पेमेंट है, रिक्वेस्ट है, वो चला जाता है होल्डिंग में चला जाता है। और जब कोई नया व्यक्ति आता है और जो अकाउंट क्रिएट करता है, तो क्या करता है ये सिस्टम की जो विड्रॉ जिसने लगाया था पहले, उसका जो डिटेल है उसके पास भेज देता है। फिर वो व्यक्ति कॉल करता है और उसे पेमेंट करता है। दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसमें अकाउंट क्रिएट किया है और आपने विड्रॉ लगाया और आपका पेमेंट अभी तक नहीं आया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम जब तक चलेगा तब तक आपका जो पेमेंट है इसमें रिसीव होगा, लेकिन टाइम लगेगा। दोस्तों मेरा खुद जो है इसमें पेमेंट अभी लगभग 20 दिन हो गए, लेकिन मुझे अभी तक जो है पेमेंट यहाँ से रिसीव नहीं हुआ। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि प्लान जो है बंद हो गया और ये सिस्टम स्कैम है या जो भी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ये सिस्टम चलेगा इसमें लोग आते रहेंगे, आपका जो पेमेंट है आपको 100% मिलेगा, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका जो पेमेंट है अगर आपको रिसीव होता है तो आपको क्या करना है। दोस्तों सेम आपको वही करना है जब आपने इसमें अकाउंट क्रिएट किया था और आपने किसी को कॉल करके बोला था कि मेरा अकाउंट एक्टिवेट कर दीजिए। उसी प्रकार जब आपका स्लिप किसी व्यक्ति को जाएगा, जब उसने अकाउंट जब बनाएगा तब तो वो आपको कॉल करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको गेट डोनेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद गेट डोनेशन फॉर ऑफ ब्लूवेल, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल आपको शो करेगा जिससे आपको पेमेंट लेनी है। और उसके बाद वो आपको कॉल करेगा या फिर आप उसको कॉल कर दीजिएगा कि जो है आपका लिंक मेरे पास आया है और मैं आपका आईडी एक्टिवेट करने वाला हूँ, आप मुझे पेमेंट कर दीजिए। ऐसा ही कुछ आपको बस इतना ही करना है, उसका आईडी एक्टिवेट यहाँ पे करना है और आपका जो यहाँ पे आपने जो विड्रॉ लगाया वो आपको यहाँ पे रिसीव हो गया उसी प्रकार। और दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज ये बता दूं कि जब मैंने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया था और मेरा जो है पहला आरओआई आया था, उस आरओआई का जो मैसेज है मुझे रिसीव नहीं हुआ था जब मैंने यहाँ पे विड्रॉ लगाया था। लेकिन जब दोस्तों मैंने यहाँ पे दूसरा आरओआई का जो विड्रॉ लगाया तो उसका मुझे मैसेज आया और उस मैसेज में क्लियर तरीके से लिखा था कि ये आपके सेकेंड आरओआई पेमेंट्स है। दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताया कि कुछ लोग बोल रहे थे कि मैंने यहाँ पे अपना विड्रॉ लगाया और मुझे जो है ई पे की तरफ से कोई मैसेज भी नहीं आया कि मेरा पेमेंट जो है यहाँ पे सक्सेसफुल विड्रॉ हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया तो मुझे जब मैंने यहाँ फर्स्ट 500 का विड्रॉ लगाया तो उस पेमेंट का जो मैसेज होता है मुझे रिसीव नहीं हुआ। और जब मैंने दूसरा पेमेंट विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट लगाया तो यहाँ पे जो है मुझे उसका मैसेज आया और उस मैसेज में लिखा था कि आपका ये सेकेंड आरवाई है। तो जो है ई पे को पता है कि आप जो है यहाँ से जितना जो भी आप कर रहे हैं उसे पता है। ऐसा नहीं है कि ये ई पे जो है स्कैम है या फिर जो भी है, आपका पेमेंट यहाँ पे आएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी ले पाए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।